गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक स्टैटिक्स. ओके, एंड एक्सरसाइज 18B एंड क्वेश्चन नंबर 8. एंड हियर द टॉपिक इज फाइंड द इन केस ऑफ मीडियन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. नाउ इन प्रीवियस लेक्चर में हमने वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन किया था एंड देयर इज अ सेकंड टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी. ओके, एंड यू नो इट कि अगर वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी की गिवन होगी तो उस केस में हम एक वैल्यू जो होगी क्वेश्चन में गिवन होगी, बट अगर टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो क्वेश्चन में टू वैल्यू गिवन होगी. तो इसमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में, वन इज सम ऑफ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड यू नो इट कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को सिग्मा एफ से डिनोट करते हैं, बट इन द केस ऑफ मीडियम इसको एन राइट किया जाता है. एन इज गिवन है, दिस इज 70. वन थिंग क्लियर. सेकेंड इज इसमें गिवन है मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16. सो देयर इज अ टू कंडीशन गिवन, एक मीडियन और एक सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ सो यू नो इट वेरी वेल कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है इज लोअर लिमिट प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच. इट मीन्स हमें कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी चाहिए इसमें. ओके, तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इसमें क्या कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, सी यू एम ए फ्रिक्वेंसी. इसको शॉर्टकट में हम सी एफ भी राइट करते हैं, और जो सी एफ वाला पोर्शन होता है उसको थोड़ा बिग बनाया करें. ठीक है, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको. तो फर्स्ट सी एफ जो है फर्स्ट नंबर एज इट इज 12 में इसको प्लस किया, देन आप राइट करेंगे, बट ए अनलाइक टर्म्स है तो सेपरेट रहेगा. 12 प्लस ए अगेन एट होगा 12 एंड 12 इज 24 प्लस ए एज इट इज 24 में 15 प्लस किया 549 213. एंड इसमें अगेन बी प्लस किया तो 39 प्लस ए प्लस बी. ओके, नेक्स्ट इज 6 प्लस हुआ देन 45 प्लस ए प्लस बी. क्लियर, नेक्स्ट 6 प्लस किया देन 51 प्लस ए प्लस बी. ये ऐसे चलता रहता है ए प्लस बी अनलाइक टर्म्स से. ओके, नेक्स्ट 4 प्लस देन 55 प्लस ए प्लस बी. क्लियर, बट अगर हम सिग्मा एफ की सम करेंगे तो वो भी आपका 55 प्लस ए प्लस बी ही आना चाहिए. देखिए 12 12 24 एंड 6 6 12 36 एंड प्लस 4 40 एंड 15 55 प्लस ए प्लस बी. क्लियर, तो फर्स्ट वर्क होगा कि हम इस सिग्मा एफ से एक इक्वेशन को फ्रेम कर लें. नाउ यहाँ राइट कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा. सिंस सॉरी टॉप पर करते हैं, एन इज हाउ मच 70. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ एन इज सिग्मा एफ, एंड वो कितना आएगा, यस 55 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 70. क्लियर, यही वैल्यू आएगी. अब इससे वन इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं, किसी की वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. इन बोथ को यहाँ शिफ्ट कर दिया, 70 माइनस 55 माइनस ए. सो माइनस करेंगे वैल्यू क्या आएगी, टेन फाइव फाइव सिक्स फाइव वन माइनस ए. ये इक्वेशन वन हो गई. इन ऑल क्वेश्चन में ऐसे ही करना करेंगे. ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया करें, वन वैल्यू फाइंड कर ली. नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन ने कहा कि जो आपका मीडियन है दिस इज 16. ओके, तो मीडियन 16 है तो हम चेक करेंगे कि मीडियन जो है वो मीडियन क्लास में लाई करता है. तो मीडियन क्लास क्या है, क्लास इंटरवल, ये क्लास है. 16 कौन से क्लास में आ रहा है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 में आएगा, 15 to 20 इसमें आएगा. तो इस वाले ब्लॉक को हम हाईलाइट कर देंगे. ओके, तो ये आपका 15 to 20 क्या हो गया, मीडियन क्लास. Therefore, median class
इज 15 to 20. मीडियम क्लास जैसी आ गया उसकी लोअर लिमिट आ जाएगी, आपकी लोअर लिमिट 15. इससे आप h की वैल्यू फाइंड कर देंगे, 20 - 15 = 5. ओके, h इज 5. नाउ अब टू थिंग्स आ गई, लोअर लिमिट और h. अब इस क्लास के जो फ्रंट में वैल्यू होगी, एंड दिस इज नोन एज फ्रिक्वेंसी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f इज 15. ओके, एंड जो CF होता है वो जस्ट प्रिसीडिंग वैल्यू होता है. तो ये वैल्यू आपकी हो गई CF. इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी. ओके, इससे प्रिसीडिंग. नाउ इट मींस 24 + a. क्लियर? सो मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन इज लोअर लिमिट प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. सो मीडियन गिवन है 16, लोअर लिमिट आ गई आपकी 15 प्लस n अपॉन 2, इट मीन्स n की वैल्यू ये यूज करेंगे 70. तो 70 अपॉन 2 माइनस सी एफ, हाउ मच? दिस वन. सो दिस इज अ 24 + a. एंड इस फुल के अपॉन में इज व्हाट फ्रीक्वेंसी है, हाउ मच? 15 इंटू एच इज 5. ओके, 5 से कैंसिल, 5 3 जा. ओके, यस और नो? इस केस में जो भी यहाँ वैल्यू दी होती है इसको पहले शिफ्ट कर लिया करो. तो प्लस वैल्यू जब इधर आएगी तो 16 - 15 यस इज 1. Here 70 अपॉन 2 यस इज 35. ब्रैकेट ओपन किया, -24 माइनस ए एंड अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई? 3. ओके, नाउ इसको शिफ्ट कर देंगे अब. ओके, सो शिफ्ट किया तो 3 - 1 = 3. 35 - 24 = 5 - 4 = 1 एंड 3 - 2 = 1 एंड -8. सो वैल्यू शिफ्ट कर दी, ए को वैल्यू को शिफ्ट कर दिया, 3 - 11 = -a, -8 = -a. ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8. ओके, ए की वैल्यू 8 आ गई है. तो दैट्स वाई हम वैल्यू यूज करेंगे इसमें, ए की वैल्यू अब पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में. पुट a = 8 इन इक्वेशन 1. सो b = 15 - 8, सो b = 7. सो दीज आर द आंसर. ओके, हैव अ लुक. सो क्लास क्वेश्चन नंबर 9 and 10 आर द होमवर्क्स. ओके, एंड टेक इट सीरियसली, क्योंकि CBSE ने कहा है कि ये भी कोर्स आपको कराया जा रहा है, वो अगेन इसको नहीं पढ़ाया जाएगा. और अटेंडेंस काउंटेड हैं तो आपको अटेंडेंस कंपलसरी डेली देना है, और जो भी वर्क है टाइमली करना है. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.